नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए अब रुख करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों की ओर। नोकिया के सीईओ पेक का लुंडमार्क से पीएम मोदी की मुलाकात, डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत की प्रगति पर हुई चर्चा। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को लेकर असम सीएम शर्मा का बयान, बोले मुकरोह गांव असम का हिस्सा है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का हस्ताक्षर अभियान, मंत्री गोपाल राय बोले सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई का उठाया मुद्दा। आप विधायक आतिशी ने उपराज्यपाल पर कसा तंज, बोले पीएम ने उपराज्यपाल से सब्सिडी बंद करवाई। गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच कराने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर पर शिकंजा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए निर्देश। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बोला सरकार पर हमला, बोले भाजपा ने ईडी और सीबीआई को बनाया हथियार। रामपुर में आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के दोस्तों पर 25-25 हजार का इनाम, गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुई थी एफआईआर। चित्रकूट में 15 किलोमीटर लंबा बनेगा बाईपास, महोबा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा, लोगों को मिलेगी जाम से निजात। संबल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बयान, बोले मुसलमानों के घर घर जाकर वोट मांगने की बात कर रही है भाजपा। प्रदर्शनकारियों को माफी देगी ईरान सरकार, 22,000 लोग रिहा होंगे, विरोधी बोले ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की साजिश। अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर पर तनाव, सैकड़ों माइग्रेंट्स कांटेदार तार हटाकर पुलिस से भिड़े, नई ऐप सर्विस से नाराज। बखमूत को लेकर यूक्रेनी जनरल का बड़ा बयान, कहा रूस के युद्ध की सबसे लंबी और सबसे खूनी लड़ाई में हाथों हाथ की संख्या बढ़ी। रूस के यूक्रेन जंग के बीच आईसीसी का बड़ा फैसला, यूक्रेन पर आक्रमण से जुड़ा पहला गिरफ्तार, वारंट जारी करेगा आईसीसी। कनाडा में ट्रक की टक्कर से दो राहगीरों की मौत, हादसे में 9 घायल, हादसे को लेकर जांच में जुटी पुलिस। भारतीय टीम में गुटबाजी को लेकर युजवेंद्र चहल का बड़ा बयान, बोले ये क्लब नहीं इंडिया की टीम। डब्ल्यूपीएल में 6 विकेट से जीती दिल्ली, बेंगलुरु टूर्नामेंट पे लगातार 5वां मुकाबला हारी, जेस जेना सेन ने लगाया विनिंग शॉट। भारत लगातार दूसरी बार डब्ल्यूटीसी के फाइनल में, जून में ऑस्ट्रेलिया में होगा मुकाबला, श्रीलंका की हार का फायदा मिला। रोमांचक मुकाबले में आखिरी बॉल पर जीता न्यूजीलैंड, पहले टेस्ट में श्रीलंका को 2 विकेट से हराया, केन विलियमसन ने जड़ा शतक। विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड, तीनों फॉर्मेट में 10+ बार ये अवार्ड जीतने वाले अकेले क्रिकेटर बने। दीपिका पादुकोण का वर्कआउट वीडियो हुआ वायरल, ऑस्कर अवार्ड से पहले सुबह 6 बजे जिम में एक्सरसाइज करती दिखी एक्ट्रेस। उम्रा करना चाहती है राखी सावंत, रोजा रखेंगी, बोली वीजा के लिए जामा मस्जिद से एफिडेविट बनवा रही हूं। शाहरुख खान है देश के सबसे पॉपुलर स्टार, सलमान दूसरे जबकि अक्षय तीसरे पर, फीमेल स्टार में आलिया ने दीपिका को पछाड़ा।
उर्दू को लेकर जावेद अख्तर का बड़ा बयान, बोले उर्दू पाकिस्तान की नहीं भारत की भाषा है। शाहरुख खान ने सिक्स पैक एब्स के लिए की कड़ी मेहनत, पठान के दौरान किया जबरदस्त वर्कआउट, हैवी वेट ट्रेनिंग से बनी मस्कुलर बॉडी। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।